गाइस वेलकम है आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग पर। और ये हमारे मोहल्ले का एक एक्सीडेंट है, मैं पास से और आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मोहल्ले के भाई लोग हैं, ये बताएंगे कितनी बजे का ये एक्सीडेंट हुआ है। तो भाई ये बताओ कितनी बजे का ये रात के करीब 2 बजे का एक्सीडेंट है ना। और तुम उस टाइम मतलब जगे हुए थे कि सो रहे थे? खबर लगी। तो दोस्तों मैं और आपको पास से दिखा देता हूँ, चलो भैया आ जाओ। अच्छा तो भैया ये भैया की गाड़ी भी खड़ी है यहाँ, ये अपने तो भैया की गाड़ी, ये हमारे गाड़ी को भी ठोक दी उसने। यहाँ पे डैमेज आया है, ये देख लो, यहाँ पे डैमेज है, यहाँ पे डैमेज हुआ, ये थोड़ी बॉडी आगे खसका दी हमारी। कम से कम 10,000 का डैमेज है हमारी गाड़ी। 10,000 का मतलब नुकसान हुआ इनकी गाड़ी में गाइस। और ये देख लो यहाँ, ये पूरा एक्सीडेंट है। कम से 2 बजे की बात है ये, और ये भाई वो भी मतलब ख़त्म हो चुकी है। और ये क्या पता कहाँ से कहाँ से ये अपना आया, कहाँ से था? इंदौर का है डंप। मतलब रेत लेके आ रहा था नेमावर से, मतलब नेमावर से आ रहा था इंदौर जा रहा था, रेत खाली कर। एक कुछ ऐसा, और ये देख लो गाइस पूरा मतलब जो नाला बना हुआ था वो नाला पूरा टूट चुका है। और ये कुछ मतलब ये कच्चा नाला नहीं होता तो शायद ये घरों में घुस सकता था ये डंपर। और ये आगे का देख सकते हो आप, मतलब डंपर का भी मतलब ट्रक का भी नुकसान हुआ है। बाकी भैया की गिट्टी पड़ी थी वो भी मतलब ख़राब हो चुकी है पूरी तरीके से। और ये देख लो गाइस, और ये पहला वाक्या नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे मतलब ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं हमारे घर पर के सामने। तो गाइस कुछ ऐसा, ये समथिंग 2 बजे रात की बात है। और ये गाइस देख लीजिए, एक ट्रक का पीछे का हिस्सा है।